हाय गाइस, सो वी आर बैक अगेन. डॉक्टर आदर्श से हाय. हेलो गाइस. सो डॉक्टर आदर्श, अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी हम स्कार रिवीजन करने जा रहे हैं. ओके. रिसेंटली ये हमारे प्रीवियस पेशेंट हैं फॉर स्कार ट्रीटमेंट, ये आ रहे थे, बट समहाउ अभी इनको रिसेंटली एक इंजरी हुई है जिसमें इनको डोर का कॉर्नर लग गया है. राइट. इससे एक ये काफी शार्प लेसिनेशन इनके फोरहेड पे हो गया है. तो अभी हम इसका क्लोजर करने जा रहे हैं विद सम स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स ताकि नो विजिबल स्कार रहे इनके फोरहेड पे. ऑलराइट. ओके. सो गाइज, जैसे इन्होंने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया. इनको कल रात को जब चोट लगी एंड शी वेंट टू द हॉस्पिटल, शी डिसाइडेड नॉट टू गेट हर सूचर्स देयर एज इट वॉज नॉट अ एमरजेंसी, इट वॉज एन अर्जेंसी. मैं ये नहीं कह रही कि एमरजेंसी सिचुएशन में आप सूचरिंग ना कराएं, ज़रूर कराएं, बट इफ़ यू फील दैट इट्स नॉट एन एमरजेंसी, इट इज़ समथिंग विच द डॉक्टर इन द हॉस्पिटल टेल्स यू कैन वेट फॉर 10-12 आवर्स, ब्लीडिंग रोक दें, तो आप किसी फेशियल प्लास्टिक सर्जन से ही कराएं सूचरिंग, तो बेटर रहता है. राइट डॉक्टर आदर्श? बिकॉज द टेक्निक ऑफ द सूचरिंग एंड द सूचर जो रिक्वायर होते हैं, यूज होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं. या फिर अगर उस टाइम हॉस्पिटल में कोई प्लास्टिक सर्जन अवेलेबल है तो आप उन्हीं से कराएं सूचरिंग. अदरवाइज नॉर्मल सिल्क या अदर सूचर से सूचरिंग कर दी जाती है हॉस्पिटल में एमरजेंसी केसेस में, जिसकी वजह से स्कार रह जाता है चेहरे पे और जो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है ट्रीट करना. और जो लोग अभी ऑनलाइन लाइव आए हैं, फॉर देम अभी 15-20 मिनट्स में हम गोइंग टू बी लाइव अगेन टू शो यू अ वेरी नाइस केस ऑफ एक्ने स्कार ट्रीटमेंट टुडे. सो स्टे ट्यून्ड इन. ओके. पेशेंट को हमने एनेस्थीसिया दे दिया. मैम, आपको कोई पेन तो नहीं हो रहा? सो फॉर पीपल हु डोंट नो, हम लोग एक्ने स्कार्स के साथ साथ, मैं कई बार बता चुकी हूँ, बर्न स्कार्स, किसी भी टाइप के सर्जिकल स्कार मार्क्स को भी ट्रीट करते हैं और स्कार रिविजन सर्जरीज भी करते हैं. सो डॉक्टर आदर्श, इसमें अब इसके बाद क्या रहेगा? अभी आप सूचर्स लगा रहे हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे कि निशान ना आए? इसमें निशान ना आने के लिए कुछ डिफरेंट इंजेक्शन लाइक कैनाकोटेनॉल हमने इंजेक्ट किया है ताकि इन्फ्लेमेशन जल्दी से जल्दी कम हो. राइट. और जो स्कार की हीलिंग है वो फास्टर हो, क्विकर हो. और उसके साथ साथ एरिया में, साइड में हम बोटॉक्स को इंजेक्ट करते हैं ताकि फेशियल मूवमेंट्स, जो फोरहेड की मसल्स की मूवमेंट्स हैं, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाए ताकि स्कार की हीलिंग और अच्छी और बेहतरीन हो. अदरवाइज वहाँ पर उस एरिया में गाइज मूवमेंट होती रहेगी तो ऑब्वियसली वहाँ पर निशान बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. ये कुछ हमारे पर्सनल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो डॉक्टर आदर्श किसी के साथ शेयर नहीं करते. समहाउ ही हैज शेयर्ड इट विद यू गाइस. सो दैट्स इम्पोर्टेंट थिंग इज द सूचरिंग टेक्निक. यस, सूचरिंग टेक्निक एक बहुत ही नॉर्मल सिंपल प्रोसीजर है, बट किस तरीके से किस बॉडी पार्ट के लिए करी जा रही है इस पर डिपेंड करता है. Right. How much your doctor is concerned about the scar formation. So right. Here I am very much concerned about कि scar negligible या minimal रहे. So that's all for now guys. मैं थोड़ी देर में वापस आऊँगी live to show you a acne scar patient. Bye bye Dr. Adarsh. Bye. Bye guys.